हेलो गाइस, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप, व्हाट इज अप। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे इज अनदर डे और टू डेज टू गो टू माय बर्थडे। दो दिन रह गया, एक रह गया। आज क्या डेट है? 6, दो रह गए ना, आज तो निकल ही गया, एक ही रह गया। गाइस, वन डे। आज मैं जा रही हूँ अपनी बर्थडे ड्रेस लेने और अभी हमारे शिल्पा को पिक करने। वैसे मेरे पास ड्रेस है गाइस ऑलरेडी, बट मैं वो नहीं पहनना चाहती क्योंकि ना उसको पहनने के लिए मुझे अपने पैर सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जाके कट तो उसको पहनने के लिए गाइस मुझे ना पैरों की वैक्सिंग करानी पड़ेगी और मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है वैक्सिंग कराने की, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कुछ और ड्रेस ले लूँ फुल टाइप। उसको पहनने के लिए फिर पैर होने भी चाहिए लकड़ियों पे अच्छा नहीं लगेगी ड्रेस। फिगर है भाई, जीरो साइज फिगर है आपका, नहीं है ना? जीरो है, काजू जीरो है, जीरो साइज तो है मोटल्ले का है नहीं ना, चिढ़ते हैं। मेरा जीरो साइज फिगर है भाई, तो इसलिए आज हम लेने जा रहे हैं कुछ न्यू ड्रेस जिसमें फुल मैं इसे ढक जाऊँ, कवर हो जाऊँ, ताकि जिसमें मैं मोटे लगूँ। नहीं, मैं तो हेल्दी हूँ। तो गाइस चलो अभी उसको पिक करते हैं और मुझे पीछे कुछ अपनी बर्थडे ट्रीट्स भी मिल गई। ये क्या कर रही है? कोई ट्रीट नहीं भाई, मेरी चॉकलेट है। थैंक यू। कौन सी खाऊं? अकड़ बक्कड़ चक्कड़ बक्कड़। और गाइस कुछ और भी ट्रीट्स मिली है हमें इधर, मन जो पीछे बैठता है उसके लिए आपने रखी हुई है क्या चीजें? फिर ये मेरी है। आपने गाड़ी में छुपा के रखी है कि ऊपर घर ले जाऊंगा तो सब खाएंगे? सब खा लेंगे, चिपट जाएंगे। क्या मिला रहे थे? 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स का कैमरा, तो मैं इनको 15x जूम करके दिखा रही थी। जूम करके दिखा रही थी। क्या करवाने गई थी? अरे कल वो बंद बना लिया था ना, दो बाल टेढ़े मेढ़े हो गए थे, सीधे करा लिए बस। स्टुपिड ना हो तो। काम कराने गई थी, कंघी हो नहीं पा रही थी घर पे। स्टुपिड ना हो तो। काजल का बर्थडे तो स्पॉइल हो रहा है। कम बोले। हाँ कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कहीं जा। तू मुझे सरप्राइज तो दे रही है। तुझे कौन कह रहा है सरप्राइज? मुझे लग रहा है फीलिंग है। सरप्राइज यही है कि आज हम तेरे को तेरी बर्थडे ड्रेस तेरे ही पैसे से दिलवाएंगे। बर्थडे ड्रेस पहन के घर में थोड़ी बैठूंगी। चल फिर वेट कर, गली में घूम लियो, फिर वेट कर। सब बचपन में घूमते थे, पहन पहन के घूमते थे। दूसरा पहनते, पता है मैं बर्थडे ड्रेस पहनते ही क्या करती थी? हाँ। गली में निकल जाती थी एकदम कि सब देखें, पहनते ही वेट भी नहीं होता था कि बाल भी कौन कर लो। काजल तूने तुम्हें इसने एक लाइट ली थी ना मेरी, वो जो गाड़ी में लेके आई। मैंने तुम्हें स्टोरी बता दी निकल अब यहां से। काजल की तो बस के पागल हो जाओगे, जिसने संटिया खाई है। अरे नहीं, वो तो मैं कभी फिर बताऊंगी। शॉपिंग बाद में, खाने पहले आ गई शिल्पा, जल्दी थक गई। पी के दिखाती हूँ मैं गाइस आप लोगों को। चलो मैं चलो फास्ट है मेरा। अच्छा टूटा नहीं अभी? टूटता नहीं है, फाल खत्म हो जाता है। नहीं कैसी ड्रेसेस हैं देखियो, मैं इसको लगाना चाहती हूँ। तू कहाँ पकड़ रही, तेरा बर्थडे है क्या? मुझे नहीं, ये नहीं थमने लिया ना तूने, थमने लिया ना। ये देख यार, मैंने अपनी लास्ट बर्थडे पे भी तो यही ऐसा कोट पहना। सिल्वर तो नहीं पहना था? ब्लैक सिल्वर था। मुझे तो सही लग रहा है काजल, इसमें पैंट्स नहीं मिलेंगी क्या? नहीं, इसमें पैंट्स मिलेंगे नहीं होते काजल। सिर्फ सीधा लाइनर लगाया है तो कितना अच्छा सा लग रहा है। तेरी आंखों पे अलग से लाइन दिख रही है, चली जाए यहां से। अरे नहीं, सनस्क्रीन है, कुछ भी नहीं है। नाइस गाइस, दूसरी शॉप पे हैं, लेट्स सी। बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हो, मेकअप करना पड़ जाए आपका। कुछ पहनो फिर ऊपर से ये पहन लो। किसी ने तो पहना था। हाँ, हम एक बार उसके कॉन्सर्ट में गए थे, वहाँ पे एक लड़की पहन के आई हुई थी। कभी नहीं समझ आई ये ड्रेस, इट्स वेरी रिस्की। वी आर एट द फोर्थ और फिफ्थ शॉप पर हमें कुछ नहीं मिला अब तक, सारी जगह कोई सेम चीजें हैं बस। यही ड्रेसेस हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा यहाँ पे। ब्लिंगी ब्लिंगी ट्लिंगी ट्लिंगी। शिल्पा वैलेंटाइंस डे आप मना रहे थे तो ये ले लो। नहीं ओ वाओ, मल्टी नहीं है, सही लग रहा है बर्थडे के लिए। बहुत हैवी हो जाएगा फोन इससे। हाँ
13 प्रो मैक्स के है नहीं अच्छे। सो गाइज इस मार्केट में तो हमें ड्रेस मिल नहीं पाई जो मुझे चाहिए थी। शिल्पा लेके आई थी इधर क्योंकि उसको बहुत सारी अच्छी शॉप्स पर थी बट कलेक्शन था नहीं उनके पास। बहुत कलेक्शन बहुत अच्छा था तेरे को जो चाहिए था। अरे नहीं था यार, जैसा चाहिए होता वैसा नहीं था। पता मुझे क्या करना चाहिए था शिल्पा, कस्टमाइज करा लेनी चाहिए थी पहले। और क्या, क्योंकि जैसे मुझे चाहिए वो सही में कहीं मिलेगी ही नहीं। ऐसे ऐसा क्या आपने पसंद किया है मैम? यार अपनी सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। अब हम लोग एक बार ज़ारा जा रहे हैं, लास्ट ऑप्शन है, वही देखते हैं मिल पाती है या नहीं। मैं शिल्पा और साहिल से, शिल्पा इधर मुंह दिखा अपना। शिल्पा और साहिल से गाना गेस करवा रही हूँ, ये बता नहीं पा रहे, मैं इनको टोन सुना देती हूँ ठीक है। 1 2 3 वो मैनू शौक कबूतर बाजी दा डेंग डेंग डेंग। अब सुना दो हाँ, सुना। बता दो अभी ना माने नहीं आ रहा तेरे को याद? अरे ऐसे तो होता है, ये भी बता देंगे काजल जी सही गाया है। इतना क्यूट बना हुआ है और फैमिली फोटोज चल रही हैं लोगों। शिल्पा मैं आपके किसी को वैलेंटाइन ना 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 नहीं। चलो फिर लेट्स गो गाइस, अब हम मॉल आ चुके हैं और अपनी लास्ट शॉप पे चल लेते हैं। ऐसी ड्रेसेस तो वहाँ भी थी। कहाँ गई शिल्पा? ऐसी ड्रेसेस तो वहाँ भी थी ना, तो तुझे ही होगा। ज़ारा ज़ारा कुछ है ही नहीं ज़ारा में यार। दुनिया भर की ड्रेसेस थी, ये लोग भी दुनिया भर के, बस वही यही थोड़ी अजीब थी। ये तो बिल्कुल नहीं, तो नॉर्मल लग रही है। मिल गई जी, मिल गई, गिर रही है। गाइस दो ड्रेस मिल चुकी है मुझे ज़ारा से और दोनों ही मैं एक ये भी मैंने पसंद किया और ये इसे मैं दे रही हूँ। बहुत ही सुंदर काजल थी, एक ब्लिंगी ब्लिंगी। घर जाके अच्छे से दिखाइयो। गाने चल रहे हैं ना। ये क्या हुआ है भाई? कुछ भी टॉर्च जलाइयो। शिल्पा हाइड एंड सीक खेलते हैं चल ज़ारा में, मजे आएंगे। लाइट भाग गई, ये क्या ज़ारा वारा है गाइस, लाइट वाइट भाग जाती है तो। चल ना भाग, मैं तुझे पकड़ूंगी और ये हमें पकड़ के बाहर निकाल देंगे। गाइस स्पेसिफिक में भी बुक शॉप ओपन हो चुकी है और अभी रिसेंटली हुई है और कितनी सारी बुक्स भाई ने तो देखे। शिल्पा मैं तेरे से कोई गिफ्ट नहीं मांग रही, मुझे बुक्स दिला दे। अभी तो दिया गिफ्ट, ये कितनी लेगी? ये ले लास्ट क्वीन है मेरे पास, ये पढ़ के भी छोड़ दी तेरी बहन ने। अच्छी ये सारी पढ़ी है माइथोलॉजी की। चल कुछ अच्छी से देखती हूँ। ये ले ले तेरे हिसाब से है तो मेरे पास, ये ऋतिक को दी हुई है उधारी पे। गाइस बुक से ये दिला दे तेरे हिसाब से। तुम कौन सी शिल्पा, याद है तेरे को मैं रोती थी? गाइस एक बार मैं बहुत रोई थी ये जंबो बुक लेने के लिए शिल्पा से, तब 100 रुपये की आती थी। 500 रुपये की इतनी मोटी है, यही पढ़ के जा रही है ना ताकि तुझे खरीदनी ना पड़े। हाँ जरूर। इतना सारा सामान लेके हमने काफी शॉपिंग कर लिया ना शिल्पा, घर जाके दिखाएंगे। कुछ खाने भी नहीं आएंगे इस बिकॉज हालत अब डेड हो चुकी है। 10 बज गए ना रात के। यस अभी हमें कैब करके भी जाना है ना वापस से टूट जाओ। कैब से जाए रिक्शा से जाए, रात हो गई है। कैब से रिक्शा मिल जाएगी, रिक्शा से जो पहले मिल जाए उससे। क्या नाम है इसका? वो ऑरेंज स्लशी होती थी ना पानी में मिला के पियो वो वाली। क्या नाम है इसका? ब्लडी मैरी, ब्लडी ऑरेंज। दिखा ना ग्लास। वेस्ट काजल, तेरा खाना पीना नहीं खत्म हो रहा, अब घर चल ले। शक्कर कंदे नहीं लाई। अबे यार बुरा नहीं लग रहा? नहीं मतलब जो हम सोच के हैं वो तो नहीं है, पर काम चल जाएगा। फैशन कंपटीशन वो देखते रहे, उस पे वो सिल्वर वाला भी जाएगा। ये हाँ ये वाइट वाला देख लो मैम, ये देख लो, ये भी अच्छा है। पर क्यूट लग रहा है। हाँ क्यूट लग रहा है। फिर तो वो डार्क ब्लू नहीं अच्छा लग रहा था।
ये जो निकालेंगे अभी देख रहे हैं। तो गाइस फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैं जो बर्थडे ड्रेसेस लाई हूँ वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास अब टोटल 3 ड्रेसेस हो गई, तो मैं बर्थडे पे क्या पहनूँ वो तुम मुझे बताना। उसमें से पहली ड्रेस है गाइस ये, पूरा ऐसे लॉन्ग ड्रेस है डेनिम की। दूसरी है ये मैं तुम्हें थोड़ा समझा देती हूँ। ये मेश टॉप्स होते हैं ना, तो ऐसे मेश ड्रेस है नेट वाली पूरी, और ऐसे ग्लिटरी है बहुत ज़्यादा। इसके नीचे हम पूरी बॉडीकॉन सूट पहनेंगे या बॉडीकॉन ड्रेस पहनेंगे और उसके ऊपर इसको पहन लेंगे। और थर्ड है ये फ्रॉक। तो 1, 2, 3, अब तीनों में से मैं क्या पहनूँ वो तुम लोग मुझे बता देना। और मैं कुछ मिनीसो से चीज़ें लाई हूँ और जो बुक्स लाई हूँ वो भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन सी लेकर आई हूँ। ये वाली बुक तो मुझे गाइस चाहिए थी, क्लियोपात्रा एंड फ्रैंकेंस्टीन वाली। और ये मैंने कोई न्यू ली है, मैंने देखी नहीं थी कहीं पे भी इंटरनेट पे, द गर्ल हु ड्रैंक द मून। और स्टोरी बुक हैं गाइस दोनों ही, काफ़ी अच्छी हैं। अब मैं इनको पढ़ूंगी और रिव्यू करूँगी। और मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि आप करेंटली रीड क्या कर रहे हो, स्नैप पे तुम लोग पूछते हो, इंस्टाग्राम पे। तो मैं ये वाली पढ़ रही हूँ, अ लिटल लाइफ। ये बहुत मोटी बुक है गाइस। और मैं मिनीसो से लाई हूँ एक ये मास्क, थोड़ा सा स्किन केयर करने के लिए, ये बो अपनी ड्रेस पे पहनने के लिए। ये मिनीसो से नहीं लिया, ये मैंने बाहर मॉल के बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं वहाँ से लिया है। और ये मेरी नोज़ पे थोड़े पैचेस से हो गए हैं, पैच नहीं कह सकते, वाइट हेड्स हो गए हैं। तो मैं ये यूज़ करूँगी और बताऊँगी कि वर्थ इट है या नहीं। तीसरी चीज़, मैंने आई पैच लिए हैं। अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो मेरी आईज़ ना यहाँ से बहुत स्वेल्ड रहती हैं, मेरी नेचुरली ऐसी ही है, बट ये बहुत गंदी लगती है मेकअप करने के बाद, ऐसा लगता है मैं नशे भरे हुए हैं। तो इससे कम हो जाती हैं, सो मैं ये यूज़ करके देखूँगी गाइस। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और परसों है मेरा बर्थडे। मैं कभी बर्थडे के लिए एक्साइटेड नहीं होती, पता नहीं क्यों, इस बार मुझे खुशी है कुछ अलग। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मैं सीधा सोने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब बाय।